तो दोस्तों फिल्म देख चुके हैं और क्या कमाल का फिल्म था, मतलब लिटरली आपको बताते हैं कि ये फिल्म आपको क्यों देखना चाहिए। मेरा रो ऊपर कर दीजिए। तो आज हम चलने वाले हैं फिल्म देखने रंग दे बसंती। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि राजन भाई रंग दे बसंती नहीं देखा तो क्या देखा, और सबसे अच्छा चीज ये है कि इस गर्मी में हमारे शहर के सबसे झक्कास हॉल में लगा है। तो ये तो पहले हम कहना चाहेंगे थैंक यू खेसारी लाल यादव इस तरीके का डिसीजन लेने के लिए कि अच्छे वाले हॉल में फिल्म को लगवाए हैं। और बाकी जैसे हॉल में चलते हैं, हॉल का क्या एक्सपीरियंस है, वहां का लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं खेसारी लाल यादव के फैंस हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वहां पे एकदम नो मास्क वास्क सीधे चलते हैं, देखते हैं, भाइयों से भेंट करते हैं। उम्र जो है हमारे लड्डू भैया को दिखाओ, लड्डू भैया का उम्र कम से कम 70-75 के आसपास हो रहा होगा। आज तक इस तरीके का हॉल में फिल्म नहीं देखे हैं। हमारा 56-57 हो रहा होगा, हमको भी आज तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। शिवम भाई अभी 12-13 साल के हैं, भी 12-13 साल के अपने जीवन में ऐसा हॉल में भोजपुरी फिल्म देखे थे? लड्डू भी आप देखे थे? नहीं, एसी वाला नहीं देखे थे कोई। नहीं एसी वाला बात नहीं, मैंने इस तरीके के हॉल में हम लोग तो बिहार में कहीं नहीं देखे, मैंने फिल्म भोजपुरी कभी नहीं। इसी माई के लाल में इतना दम नहीं था कि वो फिल्म लगवा दे इस तरीके के हॉल में, और उसी तरीके के हॉल में अब हम लोग जा रहे हैं। मेरा रो ऊपर कर दीजिए। तो देखिए हॉल के अंदर घुसते घुसते हमको मिलता है गूल, सिगरेट, खैनी, बीड़ी और क्या क्या नहीं लेके गए थे यार, नाम हंसवा दिया आप लोग। खैर कोई नहीं है, जो लोग लेके गए थे आगे से मत लेके जाइएगा, अच्छे सिनेमा हॉल में। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं हॉल के अंदर, और ये देखिए, और ये हमारा सीट, मस्त डटा के कुर्सी बैठ जाते हैं क्योंकि आज भोजपुरी देख के मानना है। थोड़ा सा कुछ खाते खाते देखने का मजा ही कुछ और होता है। और यहाँ पे हमारा पॉपकॉर्न, पेप्सी और जो जो चीज था वो सब आ गया है, और सामने रंग दे बसंती और यहाँ खाना। हिस्ट्री लिखा है खेसारी लाल यादव ने इस तरीके का फिल्म बना के, और सच में कितने सारे लोग प्यार करने वाले हैं। खैर चलिए बाहर निकलते हैं और बाहर गाड़ी में आपको इस फिल्म के बारे में और चीज बताते हैं, लेकिन बाहर का वीडियो देखो। शुक्रिया गाइस, शुक्रिया 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 इतना सारा प्यार देने के लिए। और सब भाई को इंटरव्यू देंगे आज, और यहाँ पे जितने सारे लोग मिले सब लोगों को हमने इंटरव्यू दिया, जितना पॉसिबल हो सका, जितना सेल्फी लोगों को चाहिए था सबको दे दिया तुम्हारे भाई ने सेल्फी। और अब वक्त आ चुका है एक तगड़ा सा रिव्यू, जिसको एक्चुअल रिव्यू बोलते हैं, वो देने का। और अब सीधे चलते हैं गाड़ी में यहाँ से बच बचा के, और सीधे निकलते हैं रिव्यू पे। तो दोस्तों फिल्म देख चुके हैं और क्या कमाल का फिल्म था, मतलब लिटरली हम पहली बार भोजपुरी फिल्म जाके हॉल में इतना पसंद से, इतना अच्छे तरीके से देखे हैं। और ये खेसारी लाल यादव का रंग दे बसंती फिल्म जो है ना, वो बहुत ज्यादा कमाल का था। आपको बताते हैं कि ये फिल्म आपको क्यों देखना चाहिए। सबसे पहले ये फिल्म अगर आप मोतिहारी में हैं तो हम भी गए थे देखने, तो इसलिए आप भी जाइएगा देखने। और इस फिल्म में स्टोरी पे इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है, इस फिल्म में एक्टिंग इतना ज्यादा कमाल का है। और कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज खेसारी लाल यादव गाना गा रहे हैं ना, उनको बिल्कुल निराश होने का जरूरत नहीं है कि वो गाना नहीं गा रहे हैं तो निराश हो गए, नाराज हो गए। वो जो काम किए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और जिस तरीके से भोजपुरी का लेवल बढ़ाए हैं, काबिले तारीफ है। और भगवान उनको भेजे थे फिल्म बनाने के लिए। पूरा उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म कमाई करेगा, क्योंकि हॉल का क्राउड भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हॉल पूरा फुल था। और ये भी नहीं कहिएगा कि खेसारी लाल यादव के आने की वजह से, वो तो चलिए एक फैक्टर था ही, लेकिन जिस तरीके से लोग फिल्म में खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, हम वीडियो क्लिप लगा ही देंगे। उतना हम और किसी फिल्म के लिए नहीं देखे हैं भाई, बड़ा महंगा महंगा बजट का फिल्म आया और बहुत कुछ हुआ। और देखिए आपको ये बात तो पता ही है कि हम निष्पक्ष होकर सारी बातों को आपके सामने रखते हैं। और निष्पक्षता से आपको बोले तो इस फिल्म में एक्टिंग जबरदस्त था, स्टोरी जबरदस्त था, और सबसे ज्यादा तारीफ करना होगा उसमें रियल इंसिडेंट्स का। जिस तरीके से गोली चल रहा था, जिस तरीके से आग का ब्लास्ट हो रहा था, सब कुछ एकदम रियल था। और कहते हैं ना कि
भोजपुरी वाले जब फिल्म बनाते हैं तो सिर्फ सब्सिडी के लिए ये वो के लिए, लेकिन ये फिल्म सही में हॉल में चलाने के लिए फिल्म बना हुआ था और वो चीज़ देख के लिटरली मज़ा आता है। और आप इतना ट्रस्ट तो कर सकते हैं कि हम किसी के लिए ऐसे ही नहीं बोल देते हैं कि वो अच्छा है बुरा है। और एक बार कम से कम मौका दीजिए ना, जैसे होता है ना कि चलिए नहीं आपको पसंद आएगा तो क्या होगा, 100-150 रुपया बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप एक बार भरोसा करके उस फिल्म को देखिए, आपका सच में पैसा बर्बाद नहीं होगा, पैसा वसूल होगा, मेरा तो यही राय है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।